नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन ट्रिकर में। अभी फिलहाल हूँ मैं लंकावी के हाईवे में, दवादम निकल लिए गार यहाँ से। फिलहाल जा रहे हैं स्काई केबल। बता दूँ जिसको नहीं पता, एक रोप वे है जो एक फॉरेस्ट एरिया से दूसरे फॉरेस्ट एरिया को कनेक्ट करता है, और साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा रोप वे भी है। मैं कंफर्म करके लिख दूंगा यहाँ पे। और वहाँ पे है एक ब्रिज स्काई जो कि एशिया का और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज स्काई है, जो कि दो फॉरेस्ट को कनेक्ट करता है। तो मज़े बहुत आने वाले हैं आज। और इंट्रो मतलब शूट करना भूल गया था, अभी तो आधे रास्ते पहुँच चुका हूँ, अभी रास्ते का शूटिंग कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं। और कोई ट्राइपॉड वगैरह नहीं है कि हेलमेट में मैं लगा सकूं कैमरा, तो खुद पकड़ के करना पड़ रहा है। इस बात पे एक लाइक तो ठोक ही दीजिए। धूप बड़ी तेज है, मतलब पूछो ही मत। तापमान इतना नहीं है, तापमान कुछ 34 डिग्री है, बट धूप बहुत लग रही है सर पे, पता नहीं क्यों। चलिए चलते हैं, धूप में ज़्यादा देर खड़े होने का मतलब ही नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़े दिलाते हैं डिश के लिए। चलिए फिलहाल जा रहा था, पीछे दिख गया एयरपोर्ट, लंकावी एयरपोर्ट। और देखो कितना खूबसूरत लोकेशन में, कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब एक छोटा सा बाउंड्री है, बाकी एयरपोर्ट के मतलब उस साइड आप आराम आसानी से देख सकते हैं, मतलब ये अच्छी बात लगी मेरे को। और भाई जो लोकेशन में है ना, लाजवाब है एकदम, देखिए आप। गजब का लोकेशन है भाई, गजब का एकदम। आफत आने वाली है आज तो, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। एयरपोर्ट के लोकेशन को देखियो, मैं रुकने पे मजबूर हो गया। पीछे देख रहे हैं आप एयरपोर्ट, अभी अगर मैं घूम जाऊं दूसरे साइड, पूरा सी एरिया शुरू होता है। और वहां पे एक ब्रिज भी दिख रहा है, पता नहीं किस चीज का ब्रिज है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रहा है, ऐसे कोई वाटरवे है। आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत लेट हो जाएंगे आज, बट चीज़ें इतनी खूबसूरत है ना, बिना रुके। फिलहाल जा रहा था, एक अच्छा सा ब्रिज मिल गया, यहाँ पे रुका हुआ हूँ। मतलब क्या लाजवाब आइलैंड है यार, सीरियसली जुबान से बयां नहीं कर सकता। वो पीछे देख रहे हैं, वो जो पीछे पहाड़ियाँ है, वहीं पे कहीं हमारा स्काई रोप्स है। और ये फिलहाल ब्रिज को देखिए, लाजवाब है भाई, एकदम लाजवाब, कोई शब्द नहीं है इनको बयां करने के लिए, और खूबसूरती तो लाजवाब है। आगे चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है अभी फिलहाल, अपनी हेवी ड्राइविंग एकदम चालू है।
चलते हैं जल्दी, और 10 किलोमीटर कुछ बचे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी पहुँचना है क्योंकि दो तीन जगह आज ही कवर करने का प्लान है, क्योंकि कल तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न टिकट्स मतलब कर चुका हूँ, अगर नहीं किया होता तो शायद एक और या 2 दिन और रुक जाता। फिलहाल निकलते हैं जल्दी, रवाना होते हैं आगे की तरफ, और आप एंजॉय कीजिए यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। फिलहाल पहुंच चुका हूँ, ये अपनी धन्नो यहाँ पे पार्क हो चुकी है, 3-4 गेट है, गेट नंबर 3 पे मैं रुका हुआ हूँ। स्काई कैब शायद यहीं से टिकट बुक होते हैं, अब अंदर जाके देखता हूँ क्या सिस्टम है इनका। भाई साहब रास्ते गजब के हैं, एकदम गजब के, और लगभग मेरे को लग गया यहाँ पे आते आते 1 घंटा। 22 किलोमीटर की जर्नी थी, बहुत रुकते रुकते आया हूँ। आपको गूगल मैप के हिसाब से तो 30 मिनट ही दिखाएगा, बट गजब का हर जगह है भाई, गजब का। फिलहाल टिकट काउंटर करना पड़ेगा। लोग तो काफी दबा के दिख रहे हैं, वैसे भी होंगे भी ज्यादातर लोग यहाँ पर टूरिस्ट हैं। फिलहाल देखते हैं, लेकिन आपको कोई चिंता करने वाली बात है नहीं, आप तो डिजिटली घूमोगे, मजे दिलाऊंगा आपको डिजिटली। ये रास का क्या वेयर इज द टिकट काउंटर टू स्काई कैब? ओके थैंक यू। टिकट काउंटर तो आगे था, हम पीछे भटक रहे थे। कोई नहीं जी, कोई नहीं, होता रहता है। Thank you.
भाई साहब अच्छी खासी लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे तो, काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ शायद मैं। सुबह के कुछ 10:30 बज रहे हैं अभी फिलहाल, और काफी ज्यादा भीड़ है अभी यहाँ पे। फिलहाल टिकट काउंटर पर टिकट करते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। केबल था एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फ्री इंट्रेंस 3DL Sky Dolphins 85. And the bridge? Bridge, you pay another ticket, third fish. Sorry? Pay the bridge at mountain. So this is for 85, I can go visit the three fishes. Yeah. This one 97, cable car, 3D, Sky Dome, and also selfie here. Selfie mode. This one nice. Only the best. Okay. Thank you. तो आप नॉन मलेशियन हो तो आपको कुछ 85 रिकेट का पड़ेगा टिकट, और अगर उससे ऊपर वाला पैकेज का भी था कुछ 97 का सेल्फी पॉइंट वगैरह, मेरा तो अभी मूड था नहीं, बस जितना सस्ते में हो जाए उतना काम अच्छा है, फिलहाल 85 वाला ले लेता हूँ फिर देखता हूँ। One person. Where you from? India, international. The cable car used to touch you 11:30. Okay. 85. थैंक यू। टिकट खरीद लिया कुछ 85 का पड़ा। अब ये जो पीछे मेरे लाइन लगी हुई है वो ऊपर जाने के लिए लाइन लगी है ना, टिकट काउंटर में इतना ज़्यादा भीड़ था नहीं। 85 का पड़ा और ऐसा कुछ टिकट दिया हुआ है, देखते हैं। अभी 11:30 का स्लॉट बुक किया है और वही सबसे पहले था, और मैं जब आया था आपके यहाँ पे 15 मिनट, हर 15 मिनट पे एक एक स्लॉट है, तो उस हिसाब से भीड़ बन रही है शायद। तो फिलहाल चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, कुछ खाया भी नहीं है, उस हिसाब से खाना वाना कर खा के अंदर की तरफ चलते हैं। 11:30 को है, अभी बज रहे हैं 10:50। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। स्काई ब्रिज का टिकट आपको ऊपर ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलता, तो उसका अलग होगा, पता नहीं कितना है, ऊपर जाके ही देखते हैं। यहीं पर बैठा हूँ फिलहाल, अभी भी टाइम है, अभी 11:10 हुआ है, लाइन में खड़ा नहीं हुआ हूँ, कुछ खाना वाना खा रहा था यहाँ 7-Eleven से, एक जूस पिया और एक काजू का रोस्टेड काजू टाइप का कुछ था एक वो, और एक ओरियो था, कुछ 12 रिंगेट का पड़ गया तीन चीज़ मिला के। ओरियो आधा अभी भी बचा हुआ है, बैग में रखा है, कभी भूख लगी तो खा लूँगा। फिलहाल ये हाथ में हमने बांध लिया है और बोर्डिंग के लिए तैयार हो चुके हैं, बस अपना कॉल करें। अभी 11:15 वाला बोर्डिंग का टाइम चल रहा है, 11:30 का जैसे ही कॉल करेंगे हम लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे। अभी बुला लिया, चलो चलते हैं फिर। एंट्री हो गई है फिलहाल, और ये स्काई Thank you.
वहाँ पे पीछे एक वाटरफॉल भी आ चुका है और काफी सही है यहाँ से भी और पीछे का भी कुछ फिलहाल अभी बीच में एक स्टॉप आया था व्यू पॉइंट करके और व्यू देखिए यहाँ से एकदम कड़क है भाई कड़क। यहाँ पे पीछे एक बाइनोकुलर है लेकिन नाक के बराबर है, मतलब क्या ही देखोगे नीचे, लेकिन सामने जो व्यू है ना भाई साहब एकदम कड़क है एकदम। और ऊपर से वो सामने वाले एरिया में थोड़ा बादल मतलब काले पड़ गए, वो वाला व्यू तो एकदम लाजवाब आ रहा है। फिलहाल यहाँ पे कुछ 15-20 मिनट रुका था फोटो वोटो खिंचाने के लिए, मस्त जगह है एकदम लाजवाब व्यू है यहाँ से आइलैंड का। पीछे एक और स्टेशन है मतलब यहाँ से पकड़ के ऊपर जाना है और वहाँ पे है स्काई ब्रिज, स्काई ब्रिज पकड़ते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा रहता है सफर, फिर सर स्काई कैब में बैठना पड़ेगा। चलो आ चुके हैं केबल कार में और नजारा मतलब लाजवाब है। बात करूं केबल कार की तो ये सन 2002 में बनाया गया था मलेशियन के थर्ड प्रधानमंत्री के अनुसार, और फिर उसके बाद टूरिज्म के लिए एक अलग किस्म का क्रेज बन गया है यहाँ पे, बट है तो बहुत खूबसूरत। फिलहाल पूरा ऊपर आ चुके हैं, स्काई ब्रिज के लिए कुछ 16 रिंगेट है बट बहुत छोटा सा लग रहा है और लाइन भी था, तो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा ऊपर निकल लूँ फिर लौटते टाइम जाऊँगा। कुछ ये 900 फीट ऊपर हाइट में है हम लोग।
यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप का भी है। अच्छा खासा महंगा है यहाँ पे, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। एक और व्यू पॉइंट है ये, बात करोगा इस जगह की तो जैसे मैंने बताया तीसरे प्रधानमंत्री मलेशिया के उन्होंने ये इनॉग्रेशन स्टार्ट किया था, मतलब प्रोसेस तब स्टार्ट हुआ था और जगह कंप्लीशन हुआ, उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ 1997 में और जाके कंप्लीट हुआ 2002 में। उसके बाद से ये जगह टूरिस्टों के लिए मतलब जन्नत बन चुकी है, इतना खूबसूरत व्यू। और छोटा सा ये आइलैंड है लेकिन टूरिज्म के पर्पज से मलेशिया में बहुत इनकम इससे होती है, तो आप समझ सकते हैं मतलब आइलैंड की इम्पोर्टेंस क्या है मलेशिया के टूरिज्म पर्पज़ के लिए। और व्यू एकदम ही मस्त है, मतलब चारों तरफ आपको अगर मैं बताऊं तो ये पीछे जो दिख रहा है ये है मलाया स्ट्रेट, इस तरफ कहीं पड़ेगा इंडोनेशिया, शायद वही कुछ आइलैंडों में के बाद इंडोनेशिया आ जाएगा, और इस तरफ अगर निकलते चलोगे तो साउथ चाइना सी आ जाएगा। और अगर पीछे की तरफ समुंदर से जाओगे तो वो आ जाएगा मलेशिया, मतलब एक प्राइम गोल्डन एरिया में है ये लोकेशन। आपको थाईलैंड से भी टूरिस्ट मिलेंगे, चाइना से भी मिलेंगे और इंडिया से तो मलेशिया में हर जगह आपको मिलेंगे, बट व्यू एकदम मस्त है। फिलहाल चलते हैं स्काई ब्रिज की तरफ और वहाँ पे कुछ घंटे बिताते हैं। बस एक ही रेकमेंड करूँगा मैं कि सुबह सुबह आ जाओ तो ताकि लाइन वगैरह में कम रहना पड़े आपको और कम झंझट हो, क्योंकि मैं अकेला था तो मेरे को वो ढूंढ रहे थे, मतलब कहीं एक मतलब एक कैबिन या रोपवे में जो कैबिन होता है उसमें 6 जन बैठेंगे, तो 4 होते थे कभी 5 होते थे, तो ऐसे 1-2 बंदे को जो लाइन में पीछे खड़े थे उन्हें बुला के पहले बिठा देते थे, तो इस कारण से मैं तो जल्दी खिसक गया था, मतलब अच्छाई से जल्दी पहुंच गया था। बट शायद आप 3-4 जन आ रहे हो तो सही है, एक ही कैब मतलब एक ही रोपवे में बैठ के जाओगे आराम से, प्राइवेट अगर लोगे तो कुछ 550 रिंगेट पड़ जाएंगे आपको, वो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं अभी समझता हूँ प्राइवेट लेना इतना अकलमंदी का काम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 20 से 25 मिनट की राइड होने वाली है, पहला स्टॉपेज 20 से 25 मिनट में आएगा, दूसरा स्टॉपेज को आपको लग जाएगा 10 हार्डली 15 मिनट, तो टोटल जर्नी आप पकड़ के चलिए 40 से 45 मिनट, तो उस हिसाब से देखो तो प्राइवेट 550 रुपये के करना कोई अकलमंदी तो मैं समझता नहीं हूँ। अगर आपको फिर भी कंफर्टेबल लग रहा है तो कर सकते हैं, बट अगर आप 3-4 जन आ रहे हैं तो आराम से अकेले आ सकते हैं, कोई कैबिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और नेटवर्क की बात करूँ यहाँ पे भी नेटवर्क है भाई साहब, 10,000 फीट के ऊपर है हम लोग अभी, यहाँ पे भी मीटर है 1,000 फीट के आसपास, मतलब क्या ही व्यू है भाई, मस्त एकदम। चलिए चलते स्काई ब्रिज की तरफ। दो टिकट थे वहाँ पे, एक तो था 16 रिंगेट का, एक था 6 रिंगेट का। 16 रिंगेट में आप ऐसे दिख जाओ भाई करके स्काई ट्रेल में आ सकते हो, एकदम से नीचे चली जाएगी ये वाली, कुछ हार्डली 2 या 3 मिनट का होगा रास्ता। बट अब अगर नेचुरल ट्रेल लेते हो तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी कुछ इस तरह से, ज़्यादा सीढ़ा तो लग नहीं रही वहीं पे तो शायद, वैसे भी उतरते टाइम तो पता चलेगा नहीं, सिर्फ चढ़ते टाइम ही लगेगा। और क्योंकि बात 16 रिंगेट की नहीं थी, बात थी नेक्स्ट टाइमिंग की, वो नेक्स्ट टाइमिंग था 2 बजे, अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 11:45, तो 2 बजे तक वेट करना उस कारण अकलमंदी की बात तो नहीं लगती, 15 मिनट में तो पहुंच जाऊंगा, 15-20 मिनट में होपफुली। तो बात करूं स्काई ब्रिज की तो ये सन 2006 से शुरू हुई टूरिस्टों के लिए, और 2006 में ही बनना शुरू हुई और 2008 में टूरिस्टों के लिए शुरू हुई, तो हाल ही में बनी है। और ये वर्ल्ड की मतलब कर्व में, इसका शेप कर्व है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ब्रिज है।
हैंगिंग लॉन्गिंग ब्रिज। सब लोग धीरे धीरे इतना क्यों चल रहे हैं मेरे को पता नहीं चल रहा। रास्ता बहुत ही कम चौड़ा है, ये तो बना ज़्यादा चौड़ा बनाना चाहिए था। ये क्या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हुई तुम्हारी? 16 रिंगेट तुम्हें वहाँ पे भेजना है, इसीलिए ये वाला रास्ता ठीक नहीं करोगे क्या? मेरे ख्याल से ये वाला रास्ता और चौड़ा होना चाहिए था। कुछ ऑफिशियल फिगर की बात करूँ तो 372 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। इतना मुश्किल तो है नहीं, ऊपर चलते टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, वो करना पड़ेगा टाइम बचाने के चक्कर में। यहाँ से सोच रहा 2 बजे से पहले निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। सामने वो अंकल आंटियाँ चल रही थी, चाइना से थे तो धीरे धीरे चल रहे थे, वो खाली हो गए। उनको मैं पार करके आ चुका हूँ। अरे ये छोटा सा रास्ता है, क्या ही इसमें स्काई क्या बोलते हैं स्काई ट्रेल बना रखा है। इसमें 300 सीढ़ियाँ तो है, हमारे वहाँ तो वैष्णो देवी चढ़ जाते हैं 1000 सीढ़ियों के आसपास। अभी आ चुका हूँ दूसरा एंड, छोटा सा ब्रिज है, मतलब हार्डली 85-90 मीटर्स का होगा पूरा ओवरऑल लेंथ। और ब्रिज में एक डर वाली बात है, हवा थोड़ी तेज़ होती है ब्रिज पूरा हिलने लगता है। पूरा तो नहीं, मतलब हिलता बहुत ज़ोर से, लेकिन आपको इतना पता चल जाएगा कि हिल रहा है ब्रिज। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। और तो फिलहाल कुछ रहा नहीं यहाँ पे करने के लिए, अभी निकलना पड़ेगा नीचे क्योंकि बज रहे हैं 12। मैं आया था कुछ 10:30 के आसपास, यहाँ पे पहुँचा था 10:45 के आसपास पहुँचा था। तो आराम से आप 1.5-2 घंटा तो बिता ही सकते हो। चाहे तो मैं अभी और भी रुक सकता हूँ और व्यू एंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि व्यू से मन भरने वाला है नहीं, ये तो बात सच है। व्यू जितना देख लो उतना कम है, बस खड़े होकर सिर्फ रोप वे आना जाना ही देख लो, वही 1 घंटा निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आपको बोर भी नहीं लगेगा। और छाव वाले एरिया बहुत ज़्यादा हैं तो आपको कोई परेशानी भी होगी नहीं। और तो मौसम बड़ा प्यारा है, कभी कभार तो यहाँ पे फॉग होता है। जब मैं फर्स्ट स्टॉपेज से आ रहा था सेकंड स्टॉपेज, तो फॉग भी हुआ था। और फॉग के टाइम पे ये जगह मतलब और भी बेहतरीन, मतलब रौनक लग जाती है इस जगह। फिलहाल अभी तो कुछ करने के लिए रहा नहीं है, निकलना पड़ेगा नीचे की और कहीं चलना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं, 1-2 फोटो उठाना था वो भी उठा लिया दूसरों की मदद से। अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, यही परेशानी होती है कि फ़ोटो कौन उठाए। लेकिन एक और बात बताओ, पहला स्टॉपेज जो व्यू पॉइंट था ना, वो बाई गजब का था। सेकंड व्यू पॉइंट भी अच्छा है, बहुत अच्छा, लेकिन फर्स्ट व्यू पॉइंट जिसने देख लिया ना, वो सेकंड व्यू पॉइंट इतना अच्छा खास नहीं लगेगा। फर्स्ट वाला बेहतरीन था एकदम। चलते हैं नीचे की ओर, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अभी नेचुरल ट्रेल से ही ऊपर जा रहा हूँ, ठीक ठाक सा ट्रेल था, आते टाइम और जाते टाइम भी ठीक ठाक सा ही होने वाला है जितना मेरे को लग रहा है। फिलहाल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमें पकड़नी है स्काई कैप्स, फिर निकलना है। और ट्रेल ठीक ठाक सा था और ठीक ठाक सा रहने वाला है। ट्रेल लेवल इजी बोलूँगा, मतलब कुछ ज़्यादा है नहीं, बस सीढ़ियाँ है, थोड़ा चढ़ के जाना है। अगर थोड़ा सांस ले तो बैठ भी सकते हो, ज़्यादा है नहीं, 300 मीटर का ही है बस। बस हाँ थोड़ा सीढ़ियाँ बड़े बड़े हैं यहाँ पे और रास्ता कम चौड़ा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। लीजिए पहुँच भी गया ऑलमोस्ट, 90% अपना कवर भी हो गया, देखते देखते पता भी नहीं चला। Thank you.
पहुंच चुका एकदम नीचे और हर जगह इन्होंने कुछ ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रखी है। यहाँ पे एक मॉल टाइप का बना रखा है, ऊपर एक पानी वानी देने का सिस्टम बना रखा था, हर टाइप का मार्केटिंग कर रखा है इन्होंने। और पूरा डोमिनेटेड बाय एक ही कंपनी के, स्काई करके कुछ कंपनी है, उसी से पूरा एरिया डोमिनेटेड है। बाहर निकलते हैं फिर आप समझ। हो गया अपना ये ट्रिप कंप्लीट, अच्छा सा था। बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि स्काई कैब लो, स्काई ब्रिज का फिर भी ठीक है, मतलब टाइम है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं था, बट स्काई कैब ज़रूर करना और यहाँ पर आना ज़रूर बनता है और पहले स्टॉपेज में ज़रूर ज़रूर रुकना। मेरा तो यही रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले स्टॉपेज में रुकना बनता ही है, मतलब वहाँ से जो व्यू आ रहा है ना, मतलब पूरा ऊपर तक चले जाओगे उतना व्यू नहीं आएगा, वैसा व्यू नहीं आएगा। कुछ 10:30 बजे आया था, अभी बज रहे हैं लगभग 2 बजने वाले हैं, हिसाब लगा लो उस हिसाब से। मैं काफ़ी जगह पर रुका था, बट अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो ज़्यादा फ़ोटो उठाओगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा, ऐसा मान के चलो 4 से 5 घंटे आपने जाने वाले हैं यहाँ पे आपके। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा या तो सुबह सुबह आ जाओ या फिर 2 बजे के आसपास आओ। अभी मतलब कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, सारे के सारे टूरिस्ट अब नीचे आ चुके हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। या तो सुबह सुबह निकल आओ या फिर 2 बजे के बाद। यही था सफ़र। कुछ जनाब अपने गाने गा रहे हैं। चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए कुछ सजेशन हो तो। फिलहाल अपने धन्नों को निकल के पकड़ के चलते हैं आगे की ओर। बस ये वीडियो इतना ही लंबा रखता हूँ, आगे मिलता हूँ एक नए वीडियो में जल्दी ही। शुभ खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टाटा।